नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर पूरा शहर गम में डूबा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लता के निधन पर जताया शोक। आजाद नगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े युवक की हत्या, पुलिस हत्याकांड के जांच में जुटी। सामाजिक संस्था बंग बंधु की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के लिए उपलब्ध कराया गया एसी एम्बुलेंस। और विद्या की देवी मां सरस्वती को लोगों ने दी विदाई, तमाम नदी घाटों में माता की मूर्ति का किया गया विसर्जन। खबरें अब विस्तार से। देश और विश्व की महान गायिका सुर कोकिला के नाम से विश्व विख्यात भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन रविवार को सुबह 8:12 में हो गया। देश भर में इससे शोक की लहर दौड़ गई है। राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया, साथ ही उनकी आत्मा की शांति की कामना की। इस दौरान यहां बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता एवं आम जनता मौजूद रही। सभी ने स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के आत्मा की शांति की कामना की। वैसे देश भर में 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। निश्चित तौर पर देश के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, हम सभी आज मर्माहत हैं। संगीत के माध्यम से लोगों में संचार और ऊर्जा भरने वाली स्वर कोकिला आज हमारे बीच नहीं है। सुर की साधना का एक इतिहास आज समाप्त हुआ है, लेकिन आशा है कि माँ भारती आगे फिर से एक सुर कोकिला देश को देगी। इन्होंने कहा, इस दुख की घड़ी में हमारे पास शब्द नहीं है और हम सभी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए, आज हम लोग सभी लोग बहुत मर्माहत हैं। संगीत एक ऐसा साज है कि जो लोगों में संचार पैदा करता है, और आज वो संचार पैदा करने वाली सुरों की महानायक नायिका भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन की खबर आई है। हम सारे लोग बहुत मर्माहत हैं और हम सारे लोग उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। आपने देखा कि आज सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे हैं उनकी आत्मा की शांति की कामना करने के लिए, और मैं ये समझता हूं कि सुर की साधना का आज एक इतिहास समाप्त हुआ है, और इस गहरी खाई को कैसे पाटा जाएगा ये भगवान जानता है। लेकिन माँ भारती ने हमेशा सूफी संत महात्माओं को, साहित्यकारों को, कलाकारों को जन्म दिया है। उम्मीद है कि कभी किसी दशक में फिर कोई हमारी बहन लता मंगेशकर के रूप में आएगी, लेकिन वर्तमान में ये खाई काफी गहरी है और आज हम बहुत मर्माहत हैं। उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। जिंदगी को सबने देखा, मौत की किसे खबर, आती है मुक्ति बनकर नींद का ये लंबा सफर। ना इसकी कोई मंजिल है, ना इसकी कोई डगर, मौत कुछ और नहीं, जिंदगी का नया सफर। लता मंगेशकर जी 8 जनवरी को कोरोना वायरस से संक्रमित हुई थी। इसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लता लगभग 1 महीने से अस्पताल के आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी। अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत सामदनी संग उनकी टीम लता की देखरेख और इलाज कर रहे थे। उनका परिवार भी लगातार मीडिया के साथ लता के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट देता रहता था। अब लता जी ने दुनिया को छोड़ दिया है, ऐसे में परिवार सहित उनके फैंस और फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। We announce the sad demise of लता मंगेशकर दीदी this morning at 8:00, 12 minutes died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID.
आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही है। उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर गहरी संवेदना जताई, कहा देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने कहा, लता जी भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में राज करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लता जी के निधन से मर्माहत हूँ, यह देश और देशवासियों के लिए अपूर्णीय क्षति है। आज हर किसी की आंखें नम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विभिन्न भाषाओं में लगभग 30,000 गानों को अपनी सुरीली आवाज दी थी। उनकी आवाज ही उनकी पहचान थी। आज उनके हमारे बीच नहीं होने से सुरों का एक कारवां थम सा गया है, लेकिन वे अपनी आवाज से हमेशा हमारे दिलों में राज करेगी। लता जी भले ही इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन उनके गाने हमेशा उनकी याद दिलाती रहेगी। परमात्मा दिवंगत पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान दे एवं उनके असंख्य प्रशंसकों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उधर आजाद नगर थाना क्षेत्र में युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आजाद नगर थाना स्थित सिटी इन होटल एवं काली मंदिर के बीचों बीच नाला में दिन दहाड़े युवक की हत्या कर शव को फेंक दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर पटमदा DSP सुमित कुमार, थाना प्रभारी नरेश प्रसाद सिन्हा मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टाटा रांची नेशनल हाईवे में सिटी इन के बगल में एक नाला है, वहां पर एक डेड बॉडी की सूचना मिली है। हम लोग आए हैं, एक डेड बॉडी है, देखने से लगता है कि उसकी हत्या करके यहाँ फेंका गया है। जांच कर रहे हैं, ठीक है। हत्या लग रहा है? हाँ, हत्या लग रहा है। कैसे हत्या लग रहा है? कौन है कुछ पता चल रहा है? अभी तक कोई पता नहीं चला है। सब पहचान करवाएंगे। कहीं आवेदन आपके थाना में किसी के द्वारा? थाना में कोई मिसिंग का आवेदन अभी तक नहीं इस तरह का है कोई जी। क्या उम्र लग रहा होगा? उम्र लग रहा है 35 करीब होगा, लगभग 35 साल। अभी कुछ नाम उम तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ पता नहीं चलता है। हत्या का है? हाँ, लग रहा है कि हत्या करके चला गया। ये घटना क्या हुआ है? एक काली मंदिर और सिटी का जो बीचों बीच जो नाला है, वहाँ पर फ़ोन के द्वारा हम लोगों को सूचना मिला कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तो हमने जब सर को बुलाया, बड़ा बाबू स्थानीय थाना आजाद नगर इंस्पेक्टर साहब को बुलाया, उसमें ये इससे देखने से यही लग रहा है कि हत्या हुई है। ये अनजान व्यक्ति है, इसका पता प्रशासन के द्वारा लगाया जा रहा है। देखते हैं कहाँ पर किनका है, अभी ये तो क्लियर नहीं हुआ ये किसका है। तो इंस्पेक्टर साहब के द्वारा ये पता लगाया जाएगा कि किनका है लाश। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जीतू सिंह परमार। और वही सामाजिक संस्था बंग बंधु द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्या को देखते हुए निशुल्क वातानुकूलित एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई है, जहां जिला परिषद उपाध्यक्ष, शहर के चिकित्सक और बंग बंधु संस्था के सदस्यों ने विवेकानंद के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इस सेवा का शुभारंभ किया। परसुडी स्थित विवेकानंद मिलन संघा क्लब में बंग बंधु संस्था द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन कर सर्वप्रथम विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूरे परसुडी क्षेत्र समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी भी मरीज को परेशानी ना हो, इसका प्रण लिया गया, जहां क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, शहर के चिकित्सकों और बंग बंधु संस्था के प्रतिनिधियों ने AC एम्बुलेंस को आम लोगों के सुपुर्द कर दिया। वहीं जानकारी देते हुए बंग बंधु संस्था के अध्यक्ष अर्पणा गुहा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की काफ़ी कमी होती है। मरीजों को सही समय पर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने, गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे और गर्भवती महिलाओं को सही समय पर चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए अस्पताल पहुँचाने में यह एम्बुलेंस वरदान साबित होगा। ग्रामीण क्षेत्र के लिए काफ़ी दिक्कत और परेशानी बढ़ती है, इसीलिए हमारे बंगबंधु संस्था जो कि समाज में स्वास्थ्य लेके काफ़ी काम करते हैं, जन मुद्दों को लेके काम करते हैं, लोगों के जो कि तकलीफ होती, किसी भी तरह की तकलीफ होती, उस तकलीफ में हम लोग हर कोई रात 2 बजे हो या सुबह हो, हम लोग हर दिन हम लोग दौड़ के जाते हैं और काम करते हैं, जितना दूर हो सके हम लोग उसका प्रयास करते हैं। इसीलिए आज हम लोग एम्बुलेंस का सेवा दे रहे हैं। हमारे जो एम्बुलेंस सेवा एकदम सभी लोग जो भी फोन करेंगे, हम लोग सभी लोगों का सहायता करेंगे।
और विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना के बाद उनकी विदाई की गई। जमशेदपुर में तमाम नदी घाटों में रविवार को माता की मूर्ति का विसर्जन किया गया। वैसे जमशेदपुर शहर में स्कूल कॉलेजों के अलावे बड़ी संख्या में विभिन्न इलाकों में सरस्वती पूजन का आयोजन किया जाता है। रविवार को नदी घाटों में छोटे बड़े तमाम मूर्तियों का विसर्जन किया गया। विधि विधान के साथ सभी नदी घाटों पर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना कर माता को विदाई दी गई। परिवार संगठन से हुआ है, लक्ष्मी नगर प्रेम नगर में हुआ है और ये हम लोग बहुत धूमधाम से मनाए हैं। इसे हम लोग बहुत तैयारी भी किए थे, बहुत मेहनत भी लगा था और बहुत मजा भी आ रहा है इसको करने में। कोरोना काल चल रहा है, इसको देखते हुए इस बार का जो पूजा था कैसे आप लोगों ने मनाया? इस बार बहुत सोशल मैंने बहुत कुछ छूट भी था और हम लोग बहुत आपस में सब छोटा फ्लैट है 43 घर का फ्लैट है, बहुत ढंग से मनाए, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज निर्वहन करते हुए। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर शहरी इलाके से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी बंगाल राज्य के सीमा से सटे पटमदा प्रखंड के जेरसा गांव में आज भी विकास नहीं हो रहा है, जहां छात्रों को शिक्षित करने का बीड़ा सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर उठाया है। केएम आदिवासी युवा कल्याण समिति ने यहां पहुंचकर सबर जाति के बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया, जिससे पाकर यहाँ के बच्चे काफी खुश दिखे। गौरतलब हो कि इस गाँव में सबर जाति के लोग निवास करते हैं और इन तक विकास की संपूर्ण किरण नहीं पहुंचती है। इसको ध्यान में रखकर संस्थान ने इन्हें आगे लाने का बीड़ा उठाया है। रविवार को संस्था के लोगों ने यहां पहुंचकर छोटे छोटे बच्चों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाया। वहीं यहां रह रहे सबर जाति के लोगों के बीच कंबल का वितरण भी किया। तमाम ग्रामीणों ने संस्था के इस प्रयास की सराहना की। संस्था के सचिव जगदीश महतो बताते हैं कि संस्था ने ये संकल्प लिया है कि पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसवा जिले में निवास करने वाले सबर जाति के लोगों के उत्थान के लिए वे कार्य करेंगे और इस जाति के छात्रों को शिक्षित करेंगे। तो हम लोग का जो मूल संस्था के आदिवासी युवा कल्याण समिति, ये हम लोग का जो बोर्ड मीटिंग में पास किया गया, जो जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट एवं सरायकेला डिस्ट्रिक्ट जितना खरियावस्ती है, चाहे 50 हो चाहे 100 हो चाहे जितना है, हम लोग को हर गांव में जाकर इन लोग को शुरुआत हम लोग इन लोग को पढ़ाई के लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। बच्चों को हम लोग आज लगभग 50-60 को हम लोग को लड़का को जो है आपको कॉपी किताब पेंसिल चौक जो लिखाई पढ़ाई के लिए हम लोग शुरुआत की। हम लोग शुरू से बोले जो हम लोग पहले इन लोग का शिक्षा को ध्यान देंगे, उसको स्वास्थ्य को ध्यान देंगे, उसको ट्रेनिंग को ध्यान देंगे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर आदमी का सपना होता है एक ड्रीम कार। अगर आप चाहते हैं आपकी कार आपके सपनों जैसी सुंदर हो, तो आप आए हमारे पास। कार एक्सेसरीज, कार डेकोरेशन, कार एंड बाइक मॉडिफिकेशन, ब्रांडेड साउंड सिस्टम एंड अदर आइटम्स, और भी बहुत कुछ। अगर आपकी कार रास्ते में खराब हो गई है तो हमें फौरन फोन करें। ब्रेकडाउन सर्विस 9031934924। होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। ब्रेकडाउन सर्विस, मेंटेनेंस, वॉशिंग एंड ड्रॉपिंग, एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी मैकेनिकल, डेंटिंग, पेंटिंग और सभी सुविधाएं। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारे वेबसाइट www.ashrafimotor.com पर। सभी सामान की क्वालिटी देखें, बाजार से रेट मैच करें और फिर हमारे डिस्काउंट शॉप में आए। हमारा पता है अशरफी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे कैटरिंग आपकी सेवा में।
महंगाई के इस दौर में भी किफायती और लजीज। चाइनीज व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ। इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657295658। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। टाइगर क्लब के सदस्यों ने थामा कांग्रेस का दामन। स्वास्थ्य एवं आपदा मंत्री ने सभी सदस्यों को दिलाई कांग्रेस पार्टी की सदस्यता। कदमा स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में टाइगर क्लब के सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने सभी सदस्यों को कांग्रेस पार्टी का सदस्यता दिलाया। हमारे नौजवानों में बहुत जोश भी था, है भी। इन सभी लोगों को हम लोगों ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है और भविष्य में हम लोग फिर से इन नौजवानों की ताकत से, इन नौजवानों के साथ से समाज में अच्छा काम करने के लिए इन सारे लोगों को हम अपने साथ लगाएंगे, ताकि जो आम जन है जिसको बहुत आशा उम्मीद है हम लोगों से, उसमें इन नौजवानों की ताकत का मिश्रण से वो काम और बेहतर होगा। इनका हम बहुत स्वागत करते हैं। अपने पूरे टाइगर क्लब के जितने सदस्य हैं, उन सभी लोग ने आज हमारे कांग्रेस का दामन किया है, जिसमें हमारे माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोग इस चीज को ज्वाइनिंग किए हैं। कितने सदस्य आप लोग ज्वाइनिंग किए? हम लोग सैकड़ों में हैं, सैकड़ों में। आशा करते हैं कि इस सैकड़ों को और हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जुड़ते रहेंगे हम लोग इस चीज़ को, और हम लोग अच्छा से अच्छा काम करके समाज में इस चीज़ को हम लोग प्रस्तुत करेंगे। क्या शुभनाम? मेरा नाम मनोज भगत हुआ, टाइगर क्लब अध्यक्ष हूँ। आदित्यपुर के आसंगी ईटागढ़ पुल के अब तक अधूरे निर्माण को लेकर भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रमेश हांसदा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा कि स्थानीय विधायक सह राज्य के कैबिनेट मंत्री नहीं चाहते कि अपने गांव और स्थानीय लोगों का विकास हो। बस ग्रामीणों को बहला फसला कर गुमराह कर अपने वोट बैंक की राजनीति कर लोगों को बरगलाने का काम कर। आदित्यपुर के आसंगी ईटागढ़ में खरखाई नदी में पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण रविवार को भाजपा एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रमेश हंसदा अपने दल बल के साथ हो रहे काम का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से विगत 15 दिसंबर को हम लोगों द्वारा इस निर्माण कार्य के बंद पड़े होने पर धरना प्रदर्शन किया था और पुलिया निर्माण के कार्य को चालू कराने की मांग की थी, जिस पर सरकार ने भी निर्णय लेते हुए कार्य को चालू कराना आरंभ किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, विगत 12 वर्षों से इस पुलिया का निर्माण बंद था। स्थानीय विधायक सह मंत्री नहीं चाहते कि यहाँ के लोगों का विकास हो, अपने
वोट बैंक की राजनीति को लेकर वह नहीं चाहते कि लोगों का सर्वांगीण विकास हो। उन्होंने कहा कि काम जिस गति से होना चाहिए वह नहीं हो रहा है और फिर बरसात भी आएगी और नदी के नीचे पुल के पिलर का काम बाधित हो जाएगा। अगर इस पुलिया निर्माण का कार्य अविलंब तेज गति से नहीं आरंभ हुई तो फिर से एक बार आंदोलन करने को बाध्य होंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विगत 15 दिसंबर को हम लोग ये इटागढ़ असांगी पुल को लेकर के हम लोग धरना में बैठे थे। विगत 12 साल से ये पुल आज अधूरा निर्माण पड़ा हुआ है। स्थानीय विधायक चंपाईश्वरन जी का देन है कि आज इस क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हो, यहाँ के लोग शहर नहीं जा सके, लोग जागरूक नहीं हो सके, यही सोच को लेकर के आज इस पुल का निर्माण नहीं होने दिया जा रहा था। तो राज्य सरकार का पैसा इसमें लगा हुआ है, 6 करोड़ से ज़्यादा इसकी निकासी हो चुकी है और अभी तक अधूरा पड़ा रहना ये राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ा नाकामी का एक प्रश्न चिन्ह है और स्थानीय जनप्रतिनिधि का विकास के प्रति नकारात्मक सोच को दर्शाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने धरना के माध्यम से हम लोगों ने चेतावनी दिया था, यदि पुल का काम शुरू नहीं होगा तो हम लोग 25 जनवरी से भूख हड़ताल में बैठेंगे। लेकिन हम लोग की इस बात को गौर किया और राज्य सरकार और प्रशासन ने पुल का काम शुरू कर दिया है। हम लोग निरीक्षण करने आए, लेकिन पुल का काम जिस गति से चलना चाहिए, जो दिख रहा है बरसात आ जाएगा फिर पुलिया निर्माण अधूरा रह जाएगा। इसलिए जिला प्रशासन से और विभाग से आग्रह है कि इस काम को तेजी किया जाए, इस बरसात से पहले इस दोनों खंभा का बीच में ढलाई हो जाए और लोगों का आवागमन के लिए एक रास्ता बन जाए। और वहीं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जमशेदपुर के माध्यम से किफायती दर पर अस्पतालों के लिए शुरू की गई कैंटीन व्यवस्था। अभिजीत गोहा और उनके पार्टनर अमित सोनी द्वारा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से जमशेदपुर के अस्पतालों के स्टाफ और मरीजों के लिए किफायती दर पर कैंटीन की शुरुआत की गई है। अभिजीत गोहा ने अपनी मां के नाम पर एक कैंटीन उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर की शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि मार्केट रेट से काफी किफायती दर पर जमशेदपुर के अस्पतालों के स्टाफ और मरीजों के लिए कैंटीन के माध्यम से नाश्ता उपलब्ध कराया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट मेरी माँ के नाम में हमने चालू किए, उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम शुरुआती अभी दे रहे हैं कॉफ़ी टी बिस्किट वगैरह अपटिल इटली तक डोसा भी चालू नहीं किए हैं। इसके बाद जो प्रोजेक्ट है हॉस्पिटल पूरा रेड क्रॉस के पेशेंट और स्टाफ को देंगे खाना, इसके बाद हम लोग निकलेंगे और हॉस्पिटल में खाना देंगे। एक सर्विस चालू करेंगे, एक वैन रहेगा जिसमें हम लोग वो सप्लाई चालू करेंगे वहाँ देने के लिए, मेरा आदमी जाके पेशेंट लोगों को दे के आएगा खाना। और वहीं डिमना बस्ती स्थित झारखंड कॉलोनी में व्यक्तित्व विकास संस्था की ओर से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। डिमना बस्ती स्थित झारखंड कॉलोनी में व्यक्तिगत विकास संस्थान की ओर से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 10 मरीजों का मोतियाबिंद की बीमारी होने पर इनका ऑपरेशन पूर्णिमा नेत्रालय की ओर से किया जाएगा। डिमना बस्ती झारखंड कॉलोनी में व्यक्तित्व विकास संस्थान एवं शिक्षित बेरोजगार संघ के सौजन्य से ये मोतियाबिंद का और नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसे गरीब महिलाएं हैं जो कि अपना उपचार नहीं करा पा रही थी, जो हमारे संस्था के कोऑर्डिनेटर के माध्यम से ये हम लोगों को पता चला। इसलिए अब ये निरंतर जो है सभी मलिन बस्तियों में नेत्र जांच शिविर एवं चिकित्सा शिविर भी लगाया जाएगा ताकि गरीब तबके के लोगों को लाभ मिल सके। एक और भी हमारे संस्था के कोऑर्डिनेटर के माध्यम से ये सूचना आ रही है कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी उनको वो लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि गरीब तबके के लोग होते अचानक से उनकी तबीयत खराब होती है, वो हॉस्पिटल में जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं तकनीकी कमी या जानकारी के अभाव में आयुष्मान का उनको लाभ नहीं मिल पाता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यह स्वास्थ्य मंत्री मन्ना गुप्ता से भी एक ज्ञापन देकर इस बात को रखना चाहूँगा कि जो भी हमारे गरीब लोग हैं वो सामने के जहाँ भी हॉस्पिटल में जाएं तो उनका आयुष्मान के तहत इलाज हो। वही सामाजिक संस्था पुनित जीवन की ओर से बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक प्रांगण में छठा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्गीय पुनित कुमार की स्मृति में सामाजिक संस्था पुनित जीवन की ओर से बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक प्रांगण में छठा रक्तदान शिविर का आयोजन किया।
शिविर में 110 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया, जिसे असहाय एवं जरूरतमंदों के बीच वितरित किया जाएगा। पुनीत जीवन संस्था के अध्यक्ष मंजू कुमारी ने युवाओं से अपील किया कि रक्तदान कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस दौरान रक्तदाताओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ये रक्तदान शिविर जो है कहते हैं ना, ये रक्तदान महादान, अन्न देने वाला को अन्नदाता, धन देने वाला को विद्यादाता, धन देने वाला को धनदाता, परंतु रक्तदान से बड़ा कोई भी दान नहीं होता है, उसको जीवनदाता कहा जाता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु पुनीत जीवन संस्था जो है प्रत्येक वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन करवाती है और देश के युवाओं से अपील करती है कि वो लोग भी हमेशा रक्तदान करें, जिससे कि किसी माँ की गोद सुनी ना हो, किसी साथी का जीवन साथी से साथ ना छूट जाए। तो इस उद्देश्य को लेकर के जैसे थैलेसीमिया हुआ और भी असाध्य रोग बहुत सारे हैं जिसमें रक्त का बहुत सारा जरूरत पड़ता है, तो हमारा कहना है कि आज का रक्तदाता कल का प्राप्तकर्ता भी हो सकता है। उधर आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में सटे बारवी डी में समाज सेवी स्वर्गीय निरंजन महतो के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि निरंजन महतो न सिर्फ हमारे अभिभावक थे बल्कि राजनीतिक गुरु भी थे। उनके मार्गदर्शन में ही कई लोगों ने राजनीतिक सफर तय किया है। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर बारगीडी सरस्वती पूजा कमेटी के द्वारा आयोजित होने वाले पूजन समारोह में शामिल होने मंत्री चंपाई सोरेन पहुंचे थे। कोरोना के चलते यहां विगत 2 सालों से सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाला मेला नहीं लगाया जा रहा है। संपूर्ण आदित्यपुर और गमरिया क्षेत्र में बारगीडी सरस्वती पूजा कमेटी द्वारा सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर मंत्री चंपाई सोरेन ने स्वर्गीय निरंजन महतो के प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और कहा कि निरंजन महतो ने बागुन सुमबुरई जैसे बड़े नेता को भी मार्गदर्शन दिया करते थे। इस मौके पर झामुमो केंद्रीय सदस्य रंजीत प्रधान, गोपाल महतो, पवित्र बर्मन, संतोष महतो समेत अन्य लोग मौजूद रहे। हमारा एक अभिभावक के रूप में था स्वर्गीय निरंजन महतो, सामाजिक स्तर से भी राजनीतिक स्तर से भी समझाने का एक अभिभावक रूप से इस क्षेत्र में था। उस क्षेत्र में कोई राजनीतिक इधर ऐसा कोई दिशा देने वाला नहीं था इस अंचल में। और आजादी के 70 वर्ष बाद भी अब तक नहीं बनी बनकटी गांव की सड़क, बारिश में बदतर हो जाते हैं हालात, ग्रामीण मजबूर है श्रमदान कर जर्जर सड़क की मरम्मत करने को। सरायकेला जिला के राजनगर प्रखंड अंतर्गत गोविंदपुर पंचायत अंतर्गत बनकटी गांव में ग्रामीण परेशान और विवशतापूर्ण जिंदगी जीने को मजबूर है, जिसका मुख्य कारण है गांव प्रवेश करने का रास्ता जो आज तक नहीं बन पाया, जिस कारण अब ग्रामीण श्रमदान कर जजर गड्ढों में तब्दील सड़क की मरम्मत करने में लगे हैं। ग्रामीणों के अनुसार कई वर्षों से सड़क बनवाने की मांग की जा रही है परंतु अब तक सड़क नहीं बन पाया। गांव की हालत ऐसी है कि यदि गांव में कोई बीमार पड़े तो एम्बुलेंस तक गांव में प्रवेश नहीं कर पाती, यहां तक कि अब सड़क के कारण गांव में कोई रिश्ता तक जोड़ना नहीं चाह रहे हैं, जिससे इस गांव में शादी विवाह भी नहीं हो पा रहा है। वहीं 2 दिन पहले बारिश से सड़क पर बने गड्ढों में भारी पानी भर गया और पूरा रास्ता कीचड़मय हो गया। इसके मद्देनजर अब ग्रामीण निजी स्तर से सड़क की मरम्मती करने के लिए गड्ढों में डस्ट या राख डालकर चलने लायक बना रहे हैं। ग्रामीण कहते हैं जब सरकार सभी जगह सड़क और मूलभूत सुविधा की व्यवस्था में लगी है तो हमारे गांव की सड़क पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से जल्द सड़क मार्ग बनवाने की मांग की है। हम लोग खुद श्रमदान करके रोड तो बनवा रहा कि आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा, तो देखिए बारिश में तो पूरा कीचड़ हो गया है और आम जनता को भी बहुत परेशान हो रहा। हम लोग बहुत बार हम लोग कोई नेता या मुखिया को बोल चुके हैं, 7-8 बार करीब, उससे भी ज़्यादा होगा, तो हम लोग 2-3 साल से करीब यही से चल रहा है ना। कोई हम लोग जैसे कोई शादी ब्याह या तो कोई पेशेंट इमरजेंसी केस में है, मतलब उसको अगर इमरजेंसी केस में उसको ले जाएगा, हम लोग कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, हम लोग जैसे निकालते हैं हम लोग बहुत टाइम लग जाता है ना, कोई गाड़ी का सुविधा तो ना कोई गाड़ी हम लोग बुक करते हैं, वो भी अंदर तक नहीं आता है। हम लोग उसके कुछ भी व्यवस्था करके निकालते हैं रोड तक, उसका बाद जो है
उसको कुछ हम लोग उपाय लगाते हैं। प्लस पॉइंट यही है कि बच्चा उच्चे लोग भी जो भी स्कूल जा रहा साइकिल जा रहा साइकिल से जा नहीं पा रहे, बारिश का टाइम है इतना कीचड़ हो गया कि 90% मतलब रोड पूरा खराब है। सिर्फ खेत खेत का जो लाइक होता है ना वही लाइक है। हम लोग यही बोलेंगे कि हम लोग का रोड जो है जल्द से जल्द बन जाना चाहिए, क्योंकि जितना भी है हर जगह का रोड बना हुआ है, खाली हम लोग का रोड जो है खाली 2-3 साल से पेंटिंग पड़ा हुआ है। हम लोग इसको भी बोले उसको कोई हम लोग कोई सुन नहीं रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर पूरा शहर गम में डूबा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लता के निधन पर जताया शोक। आजाद नगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े युवक की हत्या, पुलिस हत्याकांड के जांच में जुटी। सामाजिक संस्था बंगबंधु की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के लिए उपलब्ध कराया गया एसी एम्बुलेंस। और विद्या की देवी मां सरस्वती को लोगों ने दी विदाई, तमाम नदी घाटों में माता की मूर्ति का किया गया विसर्जन। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज के पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।